मजीद आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के निशान को दबाकर ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस सबसे पहले आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरदार, मैं खुश आमदीद और मैं एहसान इकबाल हूँ। जैसा कि हम आपको शो लाइन अरेबियन स्टड फार्म दिखा रहे हैं, पहले प्रोग्राम में हमने आपको इनका स्टड दिखाया और यहाँ पर कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं, किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखा गया है, वो तमाम चीज़ें हमने आपको पहले प्रोग्राम में दिखाई हैं। अगर वो आप देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन चल रहा है उसको क्लिक करें, या डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है उसको क्लिक करें, आप उस प्रोग्राम को देख सकते हैं। आज का हमारा ये जो प्रोग्राम है, अब हम इनकी जो ब्रीड्स हैं उनको एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ इकसाम के घोड़े मौजूद हैं नाज़रीन, और आज का ये जो प्रोग्राम है इसमें हम आपको अरेबियन ब्रीड जो है वो दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर अरेबियन मेयर्स मौजूद हैं, उनके साथ बच्चे हैं, बहुत ही कमाल के और ख़ूबसूरत जो है वो घोड़े हैं, इनको दिखाते हैं, आए हमारे साथ और इन्जॉय भी करते हैं और इन्फॉर्मेशन भी शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कुमार भाई, क्या हाल है? ठीक है, वेलकम अगेन। आज जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम जो अरेबियन मेयर्स हैं वो दिखाने जा रहे हैं, आप मेरे अकब में देख रहे हैं एक खूबसूरत मेयर मौजूद है। कुमार भाई, इस मेयर की क्या ब्लड लाइन है? एसएम भाई, ये प्रीमियस ब्लड लाइन में से है, प्रीमियस बड़ा फेमस ब्लड लाइन है इसकी, शायर है इटली में, और ये भी अभी रिसेंटली इटली से इंपोर्ट करी है लास्ट मंथ। इस मेयर का नाम एसएम भाई ब्लैक रोज़ है, ठीक है, और ये हमने रिसेंटली इटली से इंपोर्ट करवाई है और ये प्योर अरब्स में से है। अभी ये हमारे पास प्रेगनेंट ही आई है और ये जिस साइज से मेटेड है वो आपका यूरोप का बड़ा फेमस मैजिक स्पेशल वन है, उससे हम ये बाहर से मेट होकर आई है और ये 4 मंथ्स की प्रेग्नेंट भी है माशाल्लाह, और ये प्योर अरब्स में आती है। फिनोटाइप चेक करें इसकी, स्वान नेक्स और जो इसकी डिश है, हमारे पास जो अरब्स हैं प्योर अरब्स उनमें जो डिश होती है ज़्यादा डीप होती है, जो आपका इसका हेड होता है वो ज़्यादा ब्रॉड होता है, नॉस्ट्रल्स ज़्यादा बाहर की तरफ आउटडोर साइड पे होते हैं और जो नेक्स होती हैं वो इनकी ज़्यादा स्वान्स होती हैं, आप देख सकते हैं इस तरह। बिल्कुल माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत नाज़रीन, और इस मेयर का नाम है ब्लैक रोज रोज़, और कमाल की खूबसूरत ब्रीड इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। अभी ये प्रेग्नेंट है नाज़रीन, और जैसे इसका बच्चा भी आएगा वो भी हम आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे। अभी नेक्स्ट चलते हैं और आगे दिखाते हैं आपको कि कौन सी मेयर यहाँ पर मौजूद है। जी तो कमाल भाई, ये जो मेयर हमारे पीछे, ये अगेन हमारे पास प्योर अरब में है, मैजिक लूलू इसका नाम है, और ये इन फॉल बायर से हमने इंपोर्ट की थी, आप इसके साथ देख सकते हैं, इसने डिलीवरी यहाँ की है, बिल्कुल यहाँ हमारे पास पाकिस्तान में की है, और ये मेटेड थी, बड़ा फेमस अगेन स्टैलियन है, मैजिक स्पेशल वन जी, उसके साथ ये मेट हुई थी जिसका ये फॉल है। अच्छा, इसका नाम वगैरह आपने रखा है? बिल्कुल, अल-दहाब इसका नाम है, अल-दहाब SLA स्टोलन अरेबियंस इसका नाम है। तो ये नेम्स की जो सजेशंस है, नेम्स की जो सजेशंस और नेम्स की जो वो कह लें कि हमने आइडियाज़ जो हैं वो सारे हमने इस्लामिक फोर्सेस के नेम से ही निकाले हैं, और वो हम कोशिश करते हैं कि उन्हीं के नाम में से आप एग्जैक्टली उन्हीं में से, थोड़ा पर्सनैलिटी को भी, जो जिस घोड़े की जो पर्सनैलिटी को कलर के हिसाब से एग्जैक्टली जो भी है, तो वो जिस तरह देसी घोड़ों में लोग नाम रखते हैं तूफान, हम उस बच्चे का नाम तूफान रखते हैं जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसके अंदर एनर्जी लेवल हो, परफॉर्मेंस अच्छी, एग्जैक्टली जिसकी एनर्जी लेवल हाई हो, स्टैमिना अच्छा हो, या उसका स्ट्रक्चर खूबसूरत हो, उस हिसाब से वो कह रहे हैं हम नाम रखते हैं। अभी इस घोड़ी को इसके बच्चे से बाहर निकालते हैं। ये अभी ऐसे में, ये जो मेरा हमारे पास ये कलर में ग्रे है, अभी इसकी एज जो है तकरीबन को 6 ईयर्स है। अच्छा, और ये इसका सेकंड फॉल है। अच्छा,
और आप देख सकते हैं कि जो इसका फॉल है वो अभी तो हमें डार्क बे और ब्लैक टाइप लग रहा है, लेकिन ये अपने टाइम के साथ साथ कलर चेंज करेगा। अच्छा, हॉर्सेज में जो फॉल्स होते हैं वो टाइम के साथ साथ अपने कलर चेंज कर जाते हैं। अच्छा, ये कुमैल भाई अरेबियन ब्रीड में ज्यादा है या नहीं? ओवरऑल जितने भी हॉर्सेज हैं आपके, इवन के देसीज में, देसी में भी आपकी हमारी जो लोकल यहाँ की ब्रीड है उसमें भी जो ऑन बर्थ फॉल का कलर होता है वो 2 साल बाद कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट तो कईयों का तो टोटली 100% चेंज हो जाता है। बिल्कुल ऐसे। इवन के कई वाइट इन कलर फॉल होते हैं और जब आपके कह लें कि जैसे ही वो दो साल से अबव जाते हैं तो इवन के कई तो वो ब्लैक बन जाते ब्लैक हैं, मुश्के बन जाते या हैं। छोटे ब्लैक होते हैं तो बड़े exactly, ग्रे हो exactly, जाते हैं या और कलर करते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, इनकी जो घोड़ियों में आइडियल जो हाइट होती है अरेबियंस में वो कितनी होनी चाहिए? अरब्स और जो हमारे देसी हैं ये बेसिकली इतने ज़्यादा हाइटेड हॉर्सेस नहीं होते एज़ कम्पेयर टू हम डच वाम और एंडलुशियंस वगैरह देखें तो इनकी आप इनकी देसी की और अरब की ऑलमोस्ट सेम ही होती है। अच्छा, इतना फ़र्क नहीं होता। स्टैलियंस भी और इनकी जो मेयर्स भी होती हैं हमारे देसी और जो अरब हैं ये ऑलमोस्ट सेम है। अच्छा, अक्सर हमने घोड़े मतलब देखे हैं, बहुत से घोड़ों को हमने कवर भी किया है तो कहा देसी जाता है, लेकिन मेरे ख्याल से उनमें थारो या किसी और ब्रीड का मिक्स होता है, वो हाइटेड बहुत ज़्यादा होता है। दुनिया में वैसे तो जितने भी हॉर्सेज हैं सब में अरब का ब्लड है, और जो प्योर ब्रीड्स हैं वो अरब्स ही हैं। बिल्कुल। देन उसके बाद आगे देसी एंडलुशियन थारो बैट्स ये सब मिक्स ब्रीड्स हैं। बिल्कुल। बेसिक ब्लड तो अरब्स का ही चल रहा है, तो उसमें अब उसमें कैटेगरीज होती हैं हर ब्रीड में भी, इवन के अरब्स में भी हाइटेड हॉर्सेज भी हैं। देसी में भी आपको 63 इंचेस भी मिलेगा स्टैलियन, 64 भी मिलेगा और उसके अल्टरनेट आपको 57, 58, 56 भी मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब तो, हमारी जुबान में इसको सिकंदरी कद भी बोलते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली सिकंदरी कद। एग्जैक्टली। इसी तरह अरब में हमारे पास भी स्टैलियंस हैं जिनमें शॉर्ट हाइटेड भी हैं और अच्छी हाइट के भी घोड़े हैं। अच्छी हाइट के ऑब्वियसली स्टैलियन की वैल्यू और जो वर्थ होती है वो उसके हिसाब से ज़्यादा ही होती है और पसंद भी उसी हिसाब से किया जाता है। अच्छा कुमैल भाई, इनको मतलब कि फीड जो है वो हमारे आम घोड़ों जैसी है या कुछ खास आप इनको देते हैं? ऐसे में यहाँ मैं ये चीज़ इंक्लूड करना चाहूँगा, घोड़े की हेल्थ, आपका शौक और घोड़े की ब्रीडिंग, ये टोटली डिपेंड करती है सबसे पहले तो आपकी कीपिंग पे, देन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो उसकी फीड है। फीड में हमेशा कोशिश करनी चाहिए जो आप ग्रेन्स में दे रहे हैं, जिस तरह हम गर्मियों में जौ का बीज देते हैं और सर्दियों में जवी का बीज, और साथ हम वो बांझ जो चोकर होती है ये और काले चने देते हैं, इसमें ख़ास तौर पे ख्याल करना चाहिए कि क्वालिटी अच्छी रखी जाए। जो चीज़ आप अपने लिए पसंद करते हैं वही चीज़ इनको भी दी जाए, और वो अच्छी खुराक देने से एक तो वो स्वाद भी है, क्योंकि ये शौक वैसे ही बड़ा कहते हैं शौक है ना, ये बड़ा बरकत वाला शौक है, तो इनकी जितनी मैक्सिमम हो सकता है फीड साफ रखनी चाहिए। मैंने यहाँ देखा है लोग जस्ट ग्रीन फोडर पे, जवार पे, मकई पे घोड़ों को पालते हैं, जबकि जवार और मकई जो है ये घोड़ों के लिए कह लें कि जहर है, ये अच्छी चीज़ नहीं है। हम अपने किसी घोड़े को जवार या मकई का ग्रीन फोडर जो होता है वो नहीं देते, हम ग्रीन फोडर में लूसन यूज़ करते हैं, अल्फा अल्फा जिसको कहते हैं, और ग्रेन्स में हम काले चने, चोकर और जवी या जौ का बीज, और वो भी हम उसको अच्छी तरह भिगोने के बाद जब वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है तब इनको देते हैं, फिर ही घोड़े में शाइन और उसकी ब्रीडिंग अच्छी आती है, हर चीज़ नहीं है। जी तो नाज़रीन, साथ साथ हमने आपको फीड के बारे में भी मालूम दी है, तो जैसा कि कुमैल भाई ने बताया कि इनके कलर्स जो हैं जब बच्चे होते हैं तो जब बड़े हो जाते हैं डिफरेंट हो जाते हैं, तो ये तमाम बातें आप अपने माइंड में रखें फीड के हवाले से। खासकर बहुत से लोगों का सवाल होता है कि फीड में क्या चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए, तो वो कह रहे हैं कि ज़्यादा ग्रीन भी यूज़ ना करें और जो खुश्क दाना उन्होंने बताया उसको अपने माइंड में रखें। नेक्स्ट चलते हैं और आगे जो मेरा उस पर भी। ये एसन भाई ऐसी है, स्ट्रेट इजिप्शियन है जी, वो जैसा आपने प्योर अरब देखे थे इस तरह ये अरब में स्ट्रेट इजिप्शियन है। इसकी डिश इतनी डीप नहीं होती, आप देख सकते हैं इसका और उसका डिफरेंट फिनोटाइप में है, और ये माशाल्लाह इसका नाम श्रीसा है और ये बड़ी ही फेमस ब्लड लाइन मरामी में से है, और ये भी इन फॉल हमारे पास आई थी। अच्छा कुमैल भाई, मतलब कि हमें तो पता है स्ट्रेट इजिप्शियन क्या होते हैं जी, आप हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा बताएं ताकि उनको पता चले कि
आम अल्फाज में ये क्या बुला है? मैं इन सिंपल वर्ड्स बता देता हूँ कि जो प्योर अरब्स हैं वो बेसिकली ब्यूटी में भी ज़्यादा होते हैं, उनका फिनोटाइप अट्रैक्टिव होता है, लेकिन जो स्ट्रेट इजिप्शियंस होते हैं उनका फिनोटाइप इतना अट्रैक्टिव नहीं होता। बिल्कुल, बिल्कुल। जो कॉमन जबान में कहना है कि जो फ़र्क है ना वो बेसिक यही है। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर वो ब्लड लाइंस का फ़र्क होता है, मिक्सिंग का फ़र्क होता है इन दोनों ब्रीड्स में। ठीक हो। तो बाकी जो एक कॉमन जबान में हम कहेंगे तो वो यही फ़र्क होता है, वो हमेशा जो आप देखेंगे प्योर अरब वो बहुत आपको अट्रैक्टिव लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा, ठीक है, उसकी शोइंग ज़्यादा होगी, लेकिन स्ट्रेट इजिप्शियन की इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन फिर देन उसका मिक्सिंग और क्रॉस ब्रीडिंग और इस चीज़ों का डिफरेंस आ जाता है। इसका जो बच्चा है साथ, जी जी, ओल्ट है, मतलब उसकी ये फिली, ये इसके पास फिली है हमारे। अच्छा, इसकी फिली है, माशाल्लाह। उसका क्या नाम रखा है अभी? उसका दाबर सोच रहे हैं? नहीं 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 नहीं, हमने सब मतलब हमारे पास जो अच्छा। जो भी ब्रीड आते हैं उसका साथ साथ अच्छा। रख लेते होते हैं। ठीक है, उसका क्या नाम है आपने बताया? दाबरा। दाबरा जी। अच्छा, ये कुमैल भाई, बहुत से लोग कहते हैं कि यार सेल परचेज के हवाले से भी इंफॉर्मेशन दिया करें, आप लोग अभी सेल परचेज कर रहे हैं? ऐसे नहीं, ब्रीड ही ले रहे हैं हम, ब्रीडिंग तो करवा रहे हैं ऑब्वियसली, अपने हॉर्सेस की ब्रीडिंग करवा रहे हैं और शौक भी है ब्रीडिंग का, बेसिकली शौक ब्रीडिंग का ही था जो इतना एक्सपेंड कर दिया है। ठीक है। तो जो हमारे पास एक्सेस या सरप्लस होते हैं हम उनको ऑब्वियसली सेल करेंगे, सेल करेंगे। मतलब अभी तो हमने स्टार्ट किया है ब्रीडिंग, तो अभी हमारे पास फॉल्स माशाल्लाह आने शुरू हो गए हैं, तो इन फ्यूचर हमने फॉल्स और जो हमारे जितने भी कॉल्स और फिलीज होंगे अरब्स के, एंडलुशियन, देसी, हमने हमारे पास माशाल्लाह जितनी भी ब्लड लाइंस हैं वो टॉप लाइंस और बड़ी फेमस और बड़ी वर्किंग क्लास की हैं, तो ऑब्वियसली हम उसके फॉल्स सेल भी करेंगे। ठीक है जी। तो नाज़रीन, ये मेयर्स माशाल्लाह से आपने देखी हैं, यहाँ पर शो लाइन अरेबियंस ये स्टड फार्म है और बहुत ही खूबसूरत और कह सकते हैं आपके अच्छी ब्लड लाइन की जो घोड़ियाँ हैं वो इनके पास मौजूद है, और यहाँ पर जो बच्चे हैं जो ये खुद ब्रीड ले रहे हैं, और ये बहुत बड़ी बात होती है कि एक बड़ा जो ब्रीडर होता है वो बनना और उसके बाद बच्चों को लेना और अच्छी जो चीज़ है उसको सामने लेकर आना, ये असल काम नाज़रीन यही है। और ब्रीडिंग, ऐसे में मैं यहाँ ऐड करूँगा कि जो जिन लोगों को ब्रीडिंग का शौक होता है और जो लोग ब्रीडिंग कराते हैं कमर्शियल पर्पज़ के लिए कराएं या अपने शौक के लिए करवाएँ, ब्रीडिंग में एक चीज़ ज़रूर देखनी चाहिए, खाली ब्रीडिंग में नहीं, वैसे भी आपको स्टैलियंस को अपने मल्टी विटामिन ज़रूर ऐड करवाने चाहिए। जी जी जी। हम लोग यहाँ पाकिस्तान में जितने भी मतलब जो लोकल्स हैं, लोकल टिपिकल तरीके से जिन्होंने देसी घोड़े रखे हैं और चीज़ें, वो मसाला तो देते हैं, मसाले का काम डाइजेशन का होता है जस्ट, बिल्कुल, लेकिन मल्टी विटामिन नहीं देते, वो यूज़ नहीं करते। एक नेचुरली घोड़े की बॉडी का एक रिक्वायरमेंट है जिसमें 1% है आयोडीन की, 1% है जेनेटिन की, 1% है हर मल्टी विटामिन विटामिन की, जिस तरह इंसानों की होती है, हम वो अपनी फ्रूट्स खा के, वेजिटेबल्स खा के पूरी कर लेते हैं, इसी तरह घोड़ों को भी ये चीज़ें ज़रूरी हैं, इनकी बॉडी रिक्वायरमेंट है जो हम अक्सर लोग नहीं पूरी करते, तो डेली बेसिस पे मल्टी विटामिन और मिनरल मिक्सचर देना बहुत ज़रूरी है। और हम अपने सब हॉर्सेस को दो टाइम, हमारा फीडिंग टाइम है एक सुबह और एक इवनिंग में, हम दोनों टाइम इनको मल्टी विटामिन इनकी ग्रेन्स में डाल के देते हैं। क्या बात। अच्छा, ये भी आप सजेस्ट कर दें कि मल्टी विटामिन में कौन से जो बेहतर हैं घोड़ों के लिए? मल्टी विटामिन हम तो अपने ही बनवाते हैं, खुद बनवाते हैं, उसकी रीज़न ये है कि उसमें वो ऑल पर्पज़ हैं, उसमें इसकी बोन स्ट्रक्चर, इसकी ब्रीडिंग, इसकी एक्सरसाइज, इसका स्केलेटन, इवन के इसकी आईसाइट घोड़े की, और इसके हूफ्स, इसकी लेग्स, इसकी एनर्जी, हर चीज़ हम एक ही उसमें मिनरल मिक्सचर बनवा के हम वो अपना करवाते हैं, मतलब वन मैन आर्मी। एग्जैक्टली वो हम बिल्कुल इस तरह करते हैं। और ये जो बच्चे हैं आप, मतलब कि अरेबियंस के बच्चे हैं, इनकी जो इनिशियल स्टेज होती है फीडिंग के हवाले से, उसमें आप किन किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो एटलीस्ट 6 मंथ मदर फीड पे रहने देना, मदर के साथ आपको उसको अटैच रहने देना चाहिए। हम लोग यहाँ 3 महीने बाद भी लग कर लेते हैं, 4 महीने बाद भी, लेकिन हम अपने यहाँ पे फार्म पे 6 मंथ से पहले फॉल लैदा नहीं करते। ठीक है। और कैबिन में रहते हैं, उसको कैबिन में ही रखते हैं, उसकी रीज़न ये है कि जितनी देर तक वो मदर फीड पे रहेगा, वैसे तो वो अब खुद सेल्फ फीड पे हो जाता है फॉल, वो बड़ी जल्दी सेल्फ फीड पे रहता है, लेकिन मदर फीड भी ज़रूरी है, ज़रूरी है। तो उस बच्चे का उतना ही अच्छा बोन स्ट्रक्चर, उतनी ही अच्छी वो इन फ्यूचर में ब्रीडिंग भी देगा आपको। ठीक हो गया। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं जी। तो नाज़रीन, ये बातें भी बहुत ज़रूरी थी, चूँकि बहुत से लोग बच्चों को परचेज़ करना चाहते हैं अरेबियंस के, छोटे जो कोल्ट होते हैं, फिलीज होती हैं,
तो उनको ये आइडियाज़ नहीं होते कि उनको किस तरह की फीड देनी है या किस तरीके से उनको रखना है। तो ये क्वेश्चन भी हमने पुट किया तो कुमैल भाई ने उसका जवाब दिया है। तो मज़ीद अभी नेक्स्ट जो दो अरेबियंस इनके पास खड़े हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं, और उनमें से जो एक स्टालियन है नाज़रीन वो 2021 उसका जो वर्ल्ड चैम्पियन है उसका बच्चा है, और कमाल का बहुत ही खूबसूरत वो स्टालियन है, वो भी हम आपको दिखाएंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहें। जी तो नाज़रीन, शो लाइन अरेबियंस की आपने मेयर्स देखी और बहुत ही खूबसूरत और कमाल की ब्लड लाइन थी जो कुमैल भाई ने हमारे साथ डिस्कस की है, और बहुत ही मुफीद मशवरे जो थे वो हमें उन्होंने दिए हैं। तो आज का ये जो प्रोग्राम था ये अरेबियन जो मेयर्स थी उन पे था, और हमने इनके कोर्स भी आपको दिखाए और इनकी फीड के हवाले से आपके साथ डिस्कशन की। और पहला जो प्रोग्राम था वो हमने इस स्टड फार्म का जो स्ट्रक्चर था उस पर वीडियो बनाई थी, और उस स्ट्रक्चर में किन किन बातों का ख्याल रखना है वो भी आपके साथ डिस्कस किया था। तो आज का ये जो प्रोग्राम है इसको हम ख़त्म कर रहे हैं। अगला प्रोग्राम जो अरेबियन स्टालियंस है यहाँ पर उन पे होने जा रहा है, वो भी आपको हम दिखाते हैं, आप हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त, खुदा हाफिज़।